नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विश्रुति शर्मा और आज हम बात करेंगे एचआईवी कैसे फैल सकता है और कैसे नहीं। आप लोगों को पता ही होगा कि एचआईवी कैसे फैलता है, पर बहुत सारे मिथ्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं जो आपको पता होना जरूरी है। मिथ्स का ब्रेक होना जरूरी है और फैक्ट्स का पता होना जरूरी है ताकि कोई अनजाने में आपसे गलती ना हो जाए। तो एचआईवी कैसे फैलता है इसके बारे में बात करेंगे और वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एचआईवी कैसे नहीं फैलता है। इसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। एचआईवी कैसे फैलता है, तो मैक्सिमम जो एचआईवी फैलता है वो अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशनशिप से फैलता है। इसके बाद में सीमन से, सीमन तो हो गया अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशनशिप्स में ही आ गया। ब्लड के थ्रू फैलता है, जो बॉडी का सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, CSF होता है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में रहता है, उसके थ्रू भी आपका जो एचआईवी है ये फैलता है। इसके अलावा जो नॉन स्टेराइल इंजेक्टेबल्स या फिर जो भी नॉन स्टेराइडल धारदार या फिर सिरिंज वगैरह होती हैं उनसे फैलता है। नाइफ से भी फैल सकता है, नॉन स्टेराइल हो अगर तो। स्टेरिलाइजेशन होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, जैसे कि कोई भी नीडल्स जो होती हैं हॉस्पिटल में यूज होती हैं उनको एक ही बार यूज किया जाता है, फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ऐसे ही जो भी इक्विपमेंट्स एक बंदे पे, एक या एक पर्सन पे यूज होते हैं सर्जरी के लिए भी, वो दूसरे पर्सन पे, पेशेंट पे यूज करने से पहले उनको अच्छे से ऑटोक्लेव या स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस पूरा उसको फॉलो किया जाता है ताकि कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना जा पाए। ऐसा ही आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। जो आप घर पे कुछ चीजें यूज करते हैं, कोई भी आपको अगर फिजिकल या फंगल इन्फेक्शन है या फिर स्किन इन्फेक्शन है, तो आप अपनी पर्सनल चीजों को किसी और के साथ शेयर ना करें ताकि उसको भी इन्फेक्शन ना फैले। यही एचआईवी के साथ भी होता है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बॉडी के फ्लूइड्स के थ्रू, यानी कि जो आपके ब्लड होता है, सलाइवा होता है, यूरिन होता है, इसके थ्रू फैलता है। सीमन के थ्रू फैलता है, आपके जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसके थ्रू फैलता है। अगर प्रेग्नेंट मदर है तो उसके प्लेसेंटा के थ्रू उसके बच्चे में जा सकता है। प्लेसेंटा क्या होता है, जो नाभि नाल होती है, जो बच्चे की नाल होती है, जिससे माँ और बच्चे का पोषण मिलता है, माँ से बच्चे को पोषण मिलता है, वो जो होती है उसके थ्रू जो एचआईवी वायरस जो होता है ये क्रॉस कर जाता है। ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर भी यही होता है। वो अगर एक एचआईवी पॉजिटिव है, उसने इंजेक्ट किया और वही नीडल जो है वो अपने दूसरे किसी पास में बैठे बंदे को दे दी कि तुम भी इसी नीडल से प्रिक करके अपना जो भी डोज है वो ले रहे हो, तो उससे भी एचआईवी फैलता है। पहली बात तो ये ड्रग्स जो होती हैं ये आपके लिए अच्छी नहीं होती, ना ही आपकी फैमिली के लिए अच्छी होती है। पर अगर आप ले रहे हैं तो कम से कम अपने अपने आप को ऐसी खतरनाक बीमारियों से तो बचाइए। तो इनमें भी ऐसा फैलता है। इसके अलावा जो फीडिंग मदर्स होती हैं, अगर पॉजिटिव एचआईवी पॉजिटिव मदर है, वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है अपने बच्चे को, तो ब्लड जो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके थ्रू भी बच्चे में फैल सकती है। जो आप अगर टॉयलेट यूज कर रहे हैं, अगर पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हैं, तो खास तौर से ध्यान रखिए हर्पीस, सिफिलिस, फंगल इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन और भी 75 तरह की बीमारियां होती हैं जो टॉयलेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू, फीसेस के थ्रू फैलती है। टाइफाइड भी एक ऐसी बीमारी है जो आपके फीसेस, यानी कि जो आप स्टूल पास करते हो उनके उसके थ्रू फैलती है। कंटामिनेटेड फूड और जो फीसेस होते हैं उनके थ्रू टाइफाइड जैसी बीमारी फैलती है। एचआईवी भी यूरिन के थ्रू फैल सकती है, पर बहुत कम चांसेस होते हैं, पर अपना प्रिकॉशन आप साथ में लेके चलिए। इसके अलावा आपकी जो सलाइवा होती है उसमें भी एचआईवी वायरस होता है, पर बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए उससे भी बचे। किसी का जूठा खा रहे हैं तो भी बचे।
जूठा खाने से बहुत बीमारियां होती हैं, सिर्फ HIV ही नहीं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि किससे नहीं फैलता। तो HIV जो है ये टच करने से नहीं फैलता, छुआछूत की बीमारी नहीं है। अगर आप किसी के कपड़े यूज कर रहे हैं तो उससे नहीं फैलेगा, साथ बैठ के खाने से नहीं फैलता, अगर आप एक पूल में नहा रहे हैं तो भी नहीं फैलता, बशर्ते आप उसमें कोई कंटामिनेटेड चीज जो है वो छोड़ी ना गई हो। आप अगर आप एक साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, उससे भी नहीं फैलता है। आपके घर में कोई HIV पॉजिटिव आ जाए और आपको ऐसा लगे कि ये HIV फैला सकता है, तो ऐसा नहीं है, जब तक कि आप उसके बॉडी फ्लूड के कांटेक्ट में नहीं आ जाते। आपके हाथ में कट लग गया और वहां पे आपका ब्लड मिक्स हो गया तो भी हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है हॉस्पिटल में, एक बंदे का ब्लड दूसरे बंदे के चढ़ाते हैं जिसके खून की कमी होती है, ऑपरेशन के बाद खून की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये HIV वायरस जो होता है ये फैलता है। इसके अलावा अगर आप HIV पॉजिटिव हैं और आप चाहते हैं कि आपका ट्रीटमेंट आप करवा पाएं या करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अपनी कोई रिपोर्ट है वो भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।